गुडामालानी में दूर दूर तक फैले रेगिस्तान में खेती में किसानों के नवाचार रंग लाने लगे हैं। बारिश और भूजल की कमी होते हुए भी यहाँ के खेत धीरे धीरे बाग बन रहे हैं। गुडामालानी में 5 से 6 हजार हेक्टेयर में सिर्फ अनार के बाग लग चुके हैं, जबकि बागवानी विभाग में कई किसानों ने आवेदन कर रखे हैं। गुडामालानी क्षेत्र के कई इलाकों के खेतों में अनार के पौधे लहलहा रहे हैं। गुडामालानी से अर्जुन दर्जी की रिपोर्ट। गुडामालानी में दूर दूर तक फैले रेगिस्तान में खेती में किसानों के नवाचार रंग लाने लगे हैं। बारिश और भूजल की कमी होते हुए भी यहाँ के खेत धीरे धीरे बाग बन रहे हैं। गुडामालानी से 5 से 6 हजार सेक्टर में सिर्फ अनार के बाग लग चुके हैं, जबकि बागवानी विभाग में कई किसानों ने आवेदन कर रखे हैं। गुडामालानी के आलपुरा गाँव के किसान निम्बाराम आंजना पटेल ने पानी की कमी को देखते हुए 12 साल पहले 1 हेक्टेयर जमीन पर 1000 पौधे लगाए। उसकी सालाना आय 8 से 10 लाख रुपए हुई। वर्तमान में 9 हेक्टेयर जमीन में 8000 पौधे लगाए और अब सालाना 30 से 3200 क्विंटल अनार की खेती हो रही है और सालाना 60 से 70 लाख रुपए की आय है। किसान निम्बाराम आंजना पटेल ने बताया कि गुडामालानी क्षेत्र में सबसे पहले सत्र 2010 अनार की खेती या बगीचे लगाने वाला पहला किसान मैं हूँ। पहले से जीरा इसबगोल बोता था, उसकी सालाना आय 8 से 10 लाख रुपए होती थी। लाखनी गुजरात में बूंद बूंद सिंचाई ड्रिप सामग्री लेने गया, तब वहाँ अनार की खेती देखकर मेरे दिमाग में भी ख्याल आया। तब मैंने मेरे परिवार से इस खेती को लेकर मना कर दिया, इस पौधों को लगाने के लिए खर्चा ज़्यादा आएगा। उसके बाद मैंने परिवार को गुजरात लेकर गया और अनार के बगीचे की विजिट करवाई। उसके बाद पहले सत्र में 1000 पौधे लगाने की हामी भरी। ये हमने ड्रिप का काम करता था, मैं किसी के साथ में सर्विस करता था। उसके साथ साथ मैं गुजरात गया था ड्रिप का सामान लेने के लिए। तो उधर गुजरात में देख के मेरे दिमाग में ख्याल आया कि भाई अपने उधर भी ये खेती कर सकते हैं अपन। पहले हमारे ये जीरा था और इसबगोल और गेहूँ। उस खेती से कितना फर्क पड़ा है आपको? उस खेती से काफ़ी रात दिन का फर्क है साहब। अच्छा, और ये अनार आप बेचने कहाँ जाते हो? बेचने तो बाहर से ऑटोमेटिक व्यापारी आ जाते हैं, सुन के आ जाते हैं कि भाई कहाँ कहाँ बगीचे लगे हुए हैं, ऐसे पूछ के आ जाते हैं। खूब सारे व्यापारी आते हैं। क्षेत्र में ऐसे कितने बगीचे लगे हुए हैं? करीबन 2500 से 3000 अपने गुडामालानी विधानसभा क्षेत्र में बगीचे लगे हुए हैं। गुडामालानी उपखंड क्षेत्र में किसानों ने पारंपरिक खेती को छोड़ के जो अनार नींबू और दूसरी व्यवसायिक फसलों की ओर अग्रसर हुए हैं, उसके बाद से इस क्षेत्र में समृद्धि बढ़ी है। इस बार भी किसानों को बम्पर फसल मिली है और काफ़ी उनकी आर्थिक समृद्धि बढ़ी है। बम्पर पैदावार के कारण किसान जो है धीरे धीरे परंपरागत खेती छोड़ के इन फसलों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। रकबा भी बढ़ रहा है तो, और पानी की भी आवश्यकता इन फसलों में कम होती है और खारे पानी में भी आसानी से हो जाती है। तो जो लोग इसको अपनाए हुए हैं वो तो समृद्ध हो ही रहे हैं, दूसरे किसानों के लिए भी मार्ग अग्रसर कर रहे हैं। किसान भाई राम राम। हमारे जो गुडामालानी के क्षेत्र है, यहाँ पे जो अनार है, अनार 3500 हेक्टेयर के लगभग अनार पैदा कर रहे हैं किसान। और किसान भाई, अब की बार जो हम फसल देख रहे हैं उसको देखते हुए अब की बार जब बम्पर पैदावार होने की संभावना है। और किसान भाई, अब जैसे समय बदल रहा है वैसे तकनीक भी चेंज कर रहे हैं। गुडामालानी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर बाबूलाल मीणा ने बताया कि गुडामालानी क्षेत्र में करीब 4000 हेक्टेयर में अनार के बगीचे लगे हुए हैं। किसान समय के साथ आधुनिक खेती को अपना रहे हैं। कई किसानों के अनार के बगीचे लगाने से हमारे पास आवेदन आ रहे हैं। उपखंड अधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि गुडामालानी के विभिन्न क्षेत्रों के किसान खेती बाड़ी में नवाचार कर नई तकनीक अपना रहे हैं। आधुनिक खेती से किसानों को अच्छी आमदनी हो रही है। अब की बार क्षेत्र में अनार की बम्पर पैदावार हुई है।